राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए आज से घर घर अक्षत निमंत्रण पहुंचेगा। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी भी पत्रक में दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसे उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील की है। बता दें कि पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभालेंगे। रामलला के मंदिर में पूजित अक्षत को अलग अलग राज्यों में, उसके बाद अलग अलग जिलों में ले जाया जाएगा। अक्षत के साथ प्रभु राम का चित्र और राम मंदिर का चित्र भी दिया जाएगा। साथ ही मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी जाएगी। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही 6 और मंदिर भी होंगे। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ये शुभ मुहूर्त चुना है। ये मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का होगा, जो 12:29.08 से लेकर 12:30.32 तक का होगा। राम मंदिर से जुड़ी और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।